हे प्राण और अपान वायु, तुम इसके शरीर में ही रहो, इसके शरीर से अकाल में ही मत निकलो। इस रोगी व्यक्ति के शरीर के हस्त चरण आदि अंगों को तुम वृद्धा अवस्था तक मत त्यागो। हे रोग मुक्त पुरुष, मैं तुझे वृद्धा अवस्था को देता हूँ, अर्थात तुझे वृद्धा अवस्था तक जीवित रहने वाला बनाता हूँ। मैं वृद्धा अवस्था तक रोगों से तेरी रक्षा करता हूँ, वह वृद्धा अवस्था तुझे कल्याण प्राप्त कराए। हे रोग मुक्त पुरुष, जिस प्रकार गर्भाधान में समर्थ बैल को रस्सी से बांधा जाता है, उसी प्रकार मैं तुझे वृद्धा अवस्था से बांधता हूँ, अर्थात तुझे वृद्धा अवस्था तक जीवित रहने वाला बनाता हूँ। तुझे जन्म लेते ही अकाल में मृत्यु ने अपने फंदे में कस लिया है। उस फंदे को भगवान बृहस्पति भगवान ब्रह्मा के हाथों के द्वारा कटवा दें। सुक्त 12वां, देवता शाला वास्तुष्पति। मैं इसी प्रदेश में खंभों आदि के कारण स्थिर रहने वाली शाला बनाता हूँ। वह शाला मुझे अभिमत फल देती हुई कुशलता पूर्वक स्थिर रहे। हे शाला, मैं अनेक पुत्र पौत्रों शोभन गुणों वाली संतान एवं रोग आदि बाधाओं से हीन परिवार वाला होकर तुझ में निवास करूं। हे शाला, तू बहुत से घोड़ों गायों प्रिय बालकों की मधुर वाणी पर्याप्त अन्न घृत एवं दूध से पूर्ण होकर इसी प्रदेश में स्थिर हो और हमारे महान कल्याण के लिए प्रयत्नशील बन। हे शाला, तू बहुत से भोगों को धारण करने वाली है, अनेक वेद मंत्रों से और पके होने के कारण सुगंधित बने विविध प्रकार के अन्नों से युक्त तुझ में बछड़े और बालक आए तथा गायें संध्या काल में धनों से दूध टपकाती हुई आए। इंद्र और बृहस्पति खंभों को स्थापित करके इस शाला का निर्माण करें। मरुत इस शाला को जल से सींचें तथा भगदेव इसके आसपास की भूमि को कृषि के योग्य बनाएं। हे शाला, तू धान्य आदि का पोषण करने वाली सुखकारी रक्षिका एवं तेजस्वनी है। देवों ने सृष्टि के आरंभ में तेरा निर्माण किया था। तिनकों से ढकी हुई तू उत्तम आशाओं वाली होकर हमें पुत्र पौत्र आदि से युक्त धन प्रदान कर। हे बांस, तू बाधाहीन रूप से इस शाला के खंभे के रूप में खड़ा रहे तथा शक्तिशाली बनकर विराजता हुआ हमारे शत्रुओं को यहाँ से दूर भगा। हे शाला, तेरे आवासों में निवास करने वालों की हिंसा ना हो। हम अभिलाषित पुत्रों और पौत्रों से युक्त होकर 100 वर्षों तक जीवित रहें। युवक पुत्र और गायों के सहित बछड़े इस शाला में आएं। टपकने वाले शहद तथा दही के कलश भी इस शाला में आएं। हे स्त्री, तू अमृत के समान जल से युक्त शहद घी आदि की धारा बहाती हुई जल से भरे घड़े को लेकर इस शाला में आ तथा इस घट को अमृत के समान जल से पूर्ण कर इस शाला में किए जाने वाले श्रौत और समार्थ कर्म चोरों अग्नि आदि से हमारी रक्षा करें। मैं यक्ष्मा रोगों से रहित और अपने सेवकों के यक्ष्मा रोग का विनाश करने वाले जलों से पूर्ण कलश को शाला में लाता हूँ। इसके साथ ही मैं कभी ना बुझने वाली अग्नि को भी लाता हूँ। सुक्त 16वां, देवता सिंधु जल वरुण। हे जल, मेघों के द्वारा ताड़ित होकर इधर उधर गमन करने और नाद करने के कारण तुम्हारा नाम नदी हुआ है। हे बहने वाले जल, तुम्हारे उदक आदि अन्य नाम भी इसी प्रकार सार्थक हैं। राजा वरुण के द्वारा प्रेरित होने के तुरंत बाद तुम एकत्र होकर नृत्य करने लगे थे। उस समय
तुम्हें इंद्र प्राप्त हुए थे, इस कारण तुम्हारा नाम आप हुआ। बिना किसी कामना के बहने वाले तुम्हारा वरण इंद्र ने अपनी शक्ति से किया था। हे क्रीड़ा करने वाले जल, इस कारण तुम्हारा नाम वारी पड़ा। अकेले इंद्र ने इच्छा अनुसार इधर उधर बहने वाले तुम्हें प्रतिष्ठित किया था। इंद्र से सम्मानित होकर तुमने अपने को महान समझ लिया, इस कारण तुम्हें उदक कहा जाता है। कल्याण करने वाला जल ही घृत हुआ। अग्नि में हवन किया हुआ घृत ही जल बन जाता है। जल ही अग्नि और सोम को धारण करता है। इस प्रकार के जल का मधुर रस कभी क्षीण ना होने वाले बल के साथ मुझे प्राप्त हो। इसके पश्चात मैं देखता हूँ और सुनता हूँ कि बोले जाते हुए शब्द मेरी वाणी को प्राप्त हो रहे हैं। मैं कल्पना करता हूँ कि उन जलों के आने से ही मुझे अमृत प्राप्त हुआ है। हे सुनहरे रंग वाले जलों, तुम्हारे सेवन से मैं तृप्त हो गया हूँ। हे जलों, यह सोना तुम्हारा हृदय है और यह मेंढक तुम्हारा बछड़ा है। हे अभिमत फल देने में समर्थ जलों, इस खोदे गए स्थान में मेंढक के ऊपर फेंकी हुई अब का घास उगाती है, उसी प्रकार तुम इसमें स्थिर प्रवाह वाले बनो। मैं इस खोदे गए स्थान में तुम्हें प्रविष्ट कराता हूँ। सूक्त 14वां, देवता गोष्ठ अर्यमा आदि। हे गायों, मैं तुम्हें सुखपूर्ण गौशाला से युक्त करता हूँ तथा तुम्हें आहार रूपी धन प्रदान करता हूँ। मैं तुम्हें पुत्र पौत्र आदि संतान से युक्त करता हूँ। हे गायों, अर्यमा, उषा एवं धन जीतने वाले इंद्र तुम्हें उत्पन्न करें। इसके पश्चात तुम अपने दूध घी आदि धन से मुझे पुष्ट करो। हे गायों, मेरी इस गौशाला में तुम पुत्र पौत्र आदि संतान से युक्त तथा चोर बाघ आदि के भय से रहित होकर निवास करो। गोबर देने वाली तथा रोग रहित और अमृत के समान दूध धारण करने वाली तुम मुझे प्राप्त हो। हे गायों, तुम मेरी गौशाला में आओ। मक्खी जिस प्रकार संतान वृद्धि करती हुई क्षण भर में अगणित हो जाती है, उसी प्रकार तुम भी अधिक संतान वाली बनो। तुम इसी गौशाला में पुत्र पौत्रों को जन्म दो और मुझ साधक के प्रति प्रेम रखो। हे गायों, तुम्हारे रहने का स्थान सुखमय हो। तुम क्षण में हजारों के रूप में बढ़ने वाले शारी शाक जीव के समान मेरी पशुशाला में ही समृद्ध बनो। तुम यही संतान उत्पन्न करो, मैं तुम्हें अपने से युक्त करता हूँ। हे गायों, तुम मुझ गोस्वामी की गौशाला में आओ। यह गौशाला तुम्हारा पोषण करने वाली है। चारे रूपी धन के कारण अनगिनत होती हुई तुम चीर काल तक मुझ चिरंजीवी के साथ रहो। सूक्त 15वां, देवता इंद्र अग्नि। यज्ञ करने वाला मैं इंद्र को वाणिज्य करने वाला समझकर स्तुति करता हूँ। वे इंद्र यहाँ आए और मेरे सम्मुख हों। इंद्र मेरे वाणिज्य में बाधा पहुँचाने वाले शत्रुओं तथा मार्ग रोकने वाले चोरों और बाघों की हिंसा करते हुए अग्रसर हों तथा मुझ व्यापारी को धन देने वाले बने। व्यापार के जो बहुत से मार्ग हैं और धरती तथा आकाश के मध्य में लोग जिन मार्गों पर गमन करते हैं, वे मार्ग घी दूध से हमारी सेवा करें, जिससे हम व्यापार करके लाभ सहित मूल धन लेकर अपने घर आ सकें। हे अग्नि, व्यापार से लाभ की कामना करता हुआ मैं शीघ्र गमन की शक्ति पाने के निमित्त घी के साथ हव्य की आहुति देता हूँ। मैं मंत्रों से तुम्हारी स्तुति करता हुआ अपना व्यवहार कुशल बुद्धि को असंख्य धनों वाला होने के लिए होम में लगाता हूँ। हे अग्नि, हमसे दूर तक चलने से जो हिंसा हुई है और हमारे व्रत का लोप हुआ है,
उसे क्षमा करो। व्यापार की वस्तुओं का क्रय और विक्रय दोनों ही मुझे लाभकारी हो। हे इंद्र और अग्नि, तुम एकमत होकर इस हव्या को स्वीकार करो। तुम दोनों की कृपा से मेरा क्रय विक्रय और उससे लाभ के रूप में प्राप्त धन मेरे लिए सुखकारी हो।